हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। आज मेरे सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है, तो मेरी वाइफ सूजी बना रही है। तो सूजी हम देसी तरीके से कैसे बनाते हैं, नॉर्मली रोज़मर्रा के घर में अगर बनाना हो तो हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और घी में हमने डाली सूजी, एक कटोरी सूजी, क्योंकि हम दो लोग हैं, एक कटोरी सूजी हमने ली है। और सूजी में सूजी को हम कढ़ाई में डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको सिकाई करेंगे। इसको बहुत तेज़ आंच पर नहीं सेक सकते क्योंकि ये जलने का ज़्यादा वो रहता है, जल जाएगी, लाल हो जाएगी। तो हम इसको एक मीडियम आंच पर सेकना सीखते हैं कि जिससे जले नहीं और हमारी जो सूजी है वो आराम से सिक भी जाए, है ना। इसको हम जब तक सेकते रहेंगे जब तक इसमें सूजी ब्राउन ना हो जाती है। और जब ब्राउन हो जाएगी सूजी तो इसको हम निकाल लेंगे, फिर इसका आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो अभी सूजी हमारी आधी सिक गई है, अभी थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लग गई है और ब्राउन हो जाएगी, अब हम इसको निकालेंगे फिर। तो अब हम इस थोड़ा थोड़ा सा बस थोड़ी सी और रह गई है, ब्राउन हो गई है, बस थोड़ा सा और सेकना है, फिर इसको हम निकाल लेंगे अपने उसमें। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपको कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारी सूजी करीब कब सीख गई है, थोड़ी सी और रह गई है, अब इसको हम सेक रहे हैं, बस सीखने वाली है। फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सूजी हमारी करीब के सीख गई, मेरी वाइफ सूजी सेक रही है और ये सूजी सीख गई है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। मेरी वाइफ ने प्लेट रख ली है नीचे, अब सूजी को प्लेट में निकालेगी। और अब टाइम हो गया सूजी को निकालने का, अभी भी अब निकाल लो सूजी को प्लेट में। तो अब ये सूजी को निकाल रही हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो गई है तो कपड़े से पकड़ी हुई है। और देखो आज आप देख ही रहे हो कितने स्लो, मीडियम में हमने रखा हुआ है, मीडियम में रख के हमने सूजी की अच्छे से सिकाई करी है। तो अब हम आगे का प्रोसेस इसमें चालू करेंगे। तो अब हम इसमें घी डालेंगे और पहले पानी डालेंगे इसके अंदर। पानी डालने के बाद इसमें सूजी डालेंगे। तो सबसे पहले हम पानी डालेंगे सूजी के हिसाब से, जितनी सूजी, क्योंकि सूजी हमने एक कटोरी लिया, चार कटोरी इसमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि सूजी डबल दुगनी हो जाती है, चुगनी हो जाती है। तो उसमें एक कटोरी सूजी में चार कटोरी पानी हम डालते हैं क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा फूलती है, इसलिए। तो पानी डाल दिया हमने कढ़ाई में। तो पानी थोड़ा सा गुनगुना हो गया और उसमें हमने सूजी डाल दी। अब सूजी हमारी पकती जाएगी, अब इसमें पानी जैसे पकता जाएगा तो इसमें हम डालेंगे घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपको अगर ड्राई फ्रूट डालने से आप भी डाल सकते हो, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हम ड्राई फ्रूट डालें। तो देखो हमारी हलवा बन रहा है, रेडी हो रहा है, करीब करीब तैयार हो रहा है। तो अभी हम इसमें डालने वाले हैं घी। तो अब घी डालेंगे, घी डाल के फिर हम इसको दोबारा से हलाएंगे। तो बेबी इसमें घी डालो और आगे का प्रोसेस पूरा करो। तो बेबी ने यहाँ पर देख रहे हो हम घी लेके आ गए, सब साइड में घी रखा हुआ है। तो अभी इसमें घी डालेंगी और इसमें चीनी डालेंगी। चीनी आपको, हम थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो हम उसी के अनुसार इसमें चीनी डालेंगे। और आपको अगर ज़्यादा मीठा लगता है आप ज़्यादा डाल सकते हो, हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डालेंगे। सबसे पहले हमने डाला घी। घी बेबी, घी थोड़ा ज़्यादा डालना, और थोड़ा सा डालो ना बेबी घी। हाँ मुझे घी बहुत पसंद है बेबी, थोड़ा सा और डालो बेबी घी, कम है घी, नहीं 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 और डालो घी। तो अभी मैं इनसे बोला हूँ घी और डालो, थोड़ा सा घी और डालेंगे अभी ये इसमें। तो डालो बेबी जल्दी से घी, बेबी डालो। हाँ अब डाल दिया उन्होंने घी और मेरे कहने से, और घी डाल दिया। अब दोबारा से हलाएंगे इसको और यह अब इसको हलाने का प्रोसेस चालू है। और इसमें आगे का काम अब करीब करीब आपको खुशबू, देखो कितनी मस्त खुशबू आ रही है हलवे में। बेबी मुझे दे दो, मैं तो ऐसे ही खा लूँगा, मैं तो कढ़ाई दे दो, मैं तो कढ़ाई में ही खा लूँगा। ओ बेबी दे दो, मुझे बहुत खुशबू आ रही है मुझे।
तो हमारा हलवा करीब करीब बन के रेडी हो गया। इसमें ड्राई फ्रूट्स और डालना बाकी रह गया, अभी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये डाल दिए बेबी ड्राई फ्रूट्स? ओ मुझे पता ही नहीं चला उन्होंने ड्राई फ्रूट इतनी जल्दी डाल दिए। ओके कोई बात नहीं, इन्होंने प्लेट पर सर्व कर लिया कि हमारा बन के रेडी हो गया। तो गाइज आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग? आपको अगर हलवा खाना है तो हम आ सकते हैं, हम आप आओगे तो हम आपको हलवा बना के खिलाएंगे। और आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय गाइज।